जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सांचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरु मुखो, श्री गुरु महाराज जी चौपाई में फरमाते हैं, सृष्टि में मोहतम अति छाए, रजोतमो विस्तार फैलाए, भक्तन की कछु बनी नहीं आवे, धर्म सत्य ना काहु सुहावे, विप्र धेनु का हो ही अपमाना, कुटिल पाखंड कर ही ज्ञाना, धरा धाम बने नरक द्वारा, कर्म धर्म का रहे न विचारा, भक्त विप्र धरा कर ही दुहाई, तजहु न प्रभु अपनी प्रभुताई, काल चक्र परिस्थिति अनुसारा, प्रगटत प्रभु सरगुण अवतारा। इस प्रकार से संत महापुरुषों का इस धराधाम पर अवतरण होता है। उनके आगमन से सृष्टि में आनंद, शांति तथा प्रेम की एक लहर सी आ जाती है। जिस प्रकार अत्यधिक गर्मी के पश्चात मेघ छटा अत्यंत शोभनीय, सुखदायी तथा आनंदमय प्रतीत होती है, उसी प्रकार संत महापुरुष भी संतप्त हृदयों को अमीय वचनों से प्रशांत एवं आनंदमय बना देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रकृति के नियमानुसार भविष्य दृष्टा महापुरुष अत्यंत मोह माया तथा अधर्म अनाचर के फैलने से कुछ समय पहले, जबकि अभी सात्विक प्रवृत्तियों युक्त लोक धर्म पर आचरण कर रहे होते हैं, तब इस धराधाम पर भक्ति पथ की नींव को सुदृढ़ करने के लिए अवतरित होते हैं। संत महापुरुष जो भी पावन लीलाएं या अमर प्रवचन अपने जीवन काल में करते हैं, वे लेखनीबद्ध होकर एक पुस्तक अथवा ग्रंथ की रचना के रूप में सबके सम्मुख आ जाते हैं, ताकि उनके पावन यश तथा गुणानुवादों को गाकर भावी लोग भी लाभ उठा सके। वे जिन नियमों व सिद्धांतों को बनाते हैं, उन्हें भावी पीढ़ियां पढ़कर उस दिव्य ज्योति के प्रकाश में अपना मार्ग निर्धारित कर लेती हैं। उदाहरणतया श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामायण, महाभारत हमारे भारतीय धार्मिक ग्रंथ हैं, जिनमें राजनीति, दर्शन, योग, अर्थशास्त्र आदि विविध विषयों का प्रामाणिक समावेश है। उन्हें आज भी पढ़कर आत्मज्ञान की ज्योति को प्राप्त करने का उत्साह पैदा होता है। जो नवदा भक्ति का उपदेश श्री रामचंद्र जी महाराज ने शबरी को दिया, वही योग रूप में श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने तथा अन्य अन्य महापुरुषों ने अपने अपने युग की वाणियों में दिया। वास्तविक अर्थों में यही धार्मिक ग्रंथ ही अंधेरे का चिराग, पथ प्रदर्शन तथा जीव को अध्यात्म पथ पर आरूढ़ करने के ज्योति स्तंभ हैं। इन्हीं धार्मिक ग्रंथों में ही तो गुरु की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इनके पढ़ने एवं श्रवण करने से पूर्ण गुरु की प्राप्ति के लिए उत्सुकता तथा उत्कृष्ट अभिलाषा उत्पन्न होती है। इन सद्ग्रंथों के मनन एवं अनुशीलन से जब यह अभिलाषा उग्र रूप धारण कर लेती है, तो पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति भी हो जाती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज
तुझकी जय। साचे दर